देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए बेबी की ब्यूटीज़ लाए हैं। ये 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए हैं। ये बहुत सुंदर लगता है, देखिए बनाने में बहुत आसान है। आप इसको आधे से 1 घंटे के अंदर इसको पूरा बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए, चलिए तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 33 फंदे ले लिए हैं, 33 फंदे हम डाल लिए हैं सिलाई में। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधी सीधी सिलाई बुनते जाना है। सब फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, सीधे और उल्टी दोनों तरफ से। हमें सिर्फ इसको सीधा बुनना है और कुछ नहीं करना, इस तरीके से। इसी तरीके से बुनते हुए हमें इस पूरी सिलाई को निकालना है और फिर बैक साइड से भी हमें सीधा ही बुनना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यह हमने अपने सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लिया। ये सभी फंदे बुन लिए हमने। इसी तरीके से हम फिर इसके बैक साइड से भी बुनेंगे सीधा सीधा। ये जो धारी आ रही है फ्रेंड्स, ये जब तक 28 धारियां नहीं हो जाती हमारे पास, 28 धारी, तब तक हमें इसको बुनते जाना है ऐसे ही सीधा सीधा। 28 धारी तक हमें ये लाइन जो है हमारी 28 बन जानी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी 28 लाइन पूरी हो गई है। ये मैंने बुन लिया है 28 धारी आने तक। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको, इन फंदों को हमें घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, 2 फंदे बुन लिए, ये वाला फंदा इस पे से उतार दिए, फिर फंदा बुने, फिर जो पीछे वाला फंदा है उसको उसके ऊपर से उतार दिए, फिर एक और फंदा बुने, फिर इसको उतार दिए। ये हमें तब तक बुनना है जब तक कि ये फंदे हमारे पास 17 फंदे ना हमारे पास बच जाएं, जब तक हमें इसको ऐसे ही घटाते रहना है। तो चलिए मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने फंदे घटा लिए हैं। अब ये मेरे पास 17 फंदे बच गए, 16 इस लाइन में और एक फंदा जिससे हम घटा रहे थे वो। अब इस पूरी लाइन को हम सीधा सीधा बुन के उतार लेंगे। अब हमें अपना सेकेंडरी कलर इसमें ऐड करना है, तो पहले इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें सिर्फ सीधा सीधा हमारी सब सिलाइयाँ चलेगी और बूटीज भी बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। देखिए, अब ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ से अपना दूसरा कलर ऐड करना है, तो हम लेंगे इस वाइट से भी हमें सीधा सीधा ही बुनना है, मगर इसकी हमें 2 सिलाई सीधी और 2 सिलाई उल्टी हमें इसकी निकाल लेनी है। सीधे से भी उल्टा ही बुनना है, उल्टे से भी सीधा, मगर हमें इसकी 4 सिलाई चाहिए। इस तरीके से हम इसको बुन लेंगे। देखिए, यह हमने सीधा सीधा इसको बुन लिया।
दो फंदे रह गए हैं, इसे भी हम उतार लेते हैं इस तरीके से। अब यही डिज़ाइन हमें यही हमें बार बार रिपीट करना है। चार लाइन हमें वाइट की बनानी है और चार लाइन हमें ग्रे की बनानी है, फिर चार लाइन वाइट की बनाएंगे, फिर चार लाइन ग्रे की बनाएंगे। तो इसको हम पहले तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा पूरा। ये वाइट धागे से जो है हमने इसके सिक्स लाइन जो है हमने बना के तैयार कर ली हैं। चार चार सिलाई का हमने ये बनाया है, तो छः धारी हमने इसकी बना ली वाइट की, 1 2 3 4 5 6, और फाइव धारी हमने बना ली ग्रे की, 1 2 3 4 5। अब हमें इसे बंद कर देना है। अब ये सब फंदे हमने बंद कर देने हैं और इसको हमारा ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सिलाई का काम है इसमें। इसको ऐसे दो फंदे बुने, ऊपर से धागा उतार दिए, फिर दो फंदे बुने, फिर धागा ऊपर से उतार दिए। इसी तरीके से हमें ये पूरी सिलाई जो है बंद कर लेनी है। धागा यहाँ से उतारे, बंद किया, फिर उठाए धागा, पीछे वाला जो फंदा है आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देना है। इसको बुने, फिर पीछे वाला फंदा आगे से उतार देना है। इसी तरीके से हमें ये सारे फंदे जो अपने बंद कर लेने हैं। अब बस इसको हमें सिलाई का काम जो है ख़त्म हो गया, और इसमें सिर्फ सुई धागे का काम है, और हमारी बूटीज जो है बन के तैयार हो गई। ये हमारा लास्ट फंदा है, इसे भी हम ऐसे ही उतार देंगे, और इस फंदे से थोड़ा सा ये लंबा धागा लेके हम इसे इधर नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हमें सिलना है। चलिए इसको सिलना शुरू करते हैं। इसको हम सबसे पहले यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे, उल्टी तरफ से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये लाइन हम पूरी सिल के इसको बंद कर देते हैं, इसे ऐसे पकड़ के। इसे अच्छी तरह से बस हम सिल के आपस में जोड़ देंगे। यहाँ हम इस नॉट लगा के इस तरीके से इसको कस के अच्छे से टाइटली नॉट लगा देंगे। अब जो है इसे हम ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, और ये धागा जो ये धारियां जो है हम आपस में मिलाते हुए इसकी स्टिचिंग करना शुरू करेंगे।
इस धागे को पहले यहीं हम इन दोनों का दोनों धारियों को आपस में ऐसे मिलाते हुए यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तरीके से व्हाइट को व्हाइट से मिलाते हुए ग्रे को ग्रे से मिलाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना है और यहाँ से रब सिल लेना है। ये जो भी धागे हमारे अंदर छुटे हुए हैं इनको हम सिलाई में ही दबाते चलेंगे। इस तरीके से अब इसको अच्छे से नॉट लगा के यहाँ पे पक्का कर देंगे। धागा काट लेंगे। अब जो है हमें ये देखिए ये हमारा नीचे का हिस्सा तैयार हो गया। इसको फोल्ड करना है और अब हमें इसमें काम करना है। तो अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ से ऐसे फंदा उठाते चलेंगे। इसका हर किनारे से इस तरीके से फंदा उठाते चलेंगे। इसे हमें नॉट लगानी है तो सभी छोटे फंदे जो हैं किनारे का पहला फंदा जो है हम सुई में ले लेंगे इस तरीके से। ये सब फंदे हमने इसमें ले लिए। अब इन दोनों को पकड़ के हमें इसको खींच के बस नॉट लगा देनी है अच्छे से। इसको इस तरीके से कसना है और यहाँ पे एक मजबूत नॉट लगा देनी है। इस तरीके से ये हमारी गांठ लग गई। देखिए ये बूटीज हमारी तैयार है। इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और अब ये जो हिस्सा हमारा रह गया यहाँ पे छोटा सा मैंने पम पम बना के रखा है इसी को हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे। से अच्छे तरीके से यहाँ पे बस सिल देना है हमारे पंप को। आप चाहे तो इधर बटन या कोई फूल भी बना सकते लगा सकते हैं। बस ये हमारा पंप यहाँ पे सेट हो गया। अब इसे अंदर से नॉट लगा के काट लीजिए।
इसको काट दीजिए। ये हमारी बूटीज जो है तैयार हो गई, ये देखिए, ये हमारे बेबी बूटीज तैयार हैं। बहुत ही जल्दी और आसानी से बन गया। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।